नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। हरियाणा में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जहां एक तरफ तो बीजेपी अपने सर पर रखे ताज को संभालने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस अपनी साख बचाने में जुटी है। और इसी बीच हरियाणा के दिल में अपनी जगह बनाने वाली आईएनएलडी पार्टी का कुनबा टूटने के बाद आईएनएलडी की लड़ाई अपने आप से ही मानी जा रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की क्या है कहानी। हरियाणा राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बार के चुनाव में फर्क सिर्फ ये है कि पिछली बार मुकाबला भाजपा और इनेलो के बीच था, मगर इस दफा भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। चुनाव से पहले की सरगर्मी में हरियाणा का माहौल भी बेहद गर्म है। राजनीति के इस गलियारे में हर कोई तंज कसने में व्यस्त है और इस वक्त तो हरियाणा में नारों का खेल जारी है। जहाँ एक तरफ बीजेपी 75 पार का नारा लेकर चल रही है, तो वहीं कांग्रेस भी 85 पार का दावा करती है। लेकिन इस बीच इनेलो अपनी ही विरासत से जूझ रही है। इनेलो के विभाजित होने और उसके बाद उसके तमाम बड़े नेताओं वो विधायकों के अन्य दलों में शामिल होने के कारण पार्टी धाराशायी हो चुकी है। वहीं कई गुटों में बटी प्रदेश कांग्रेस को अंतिम समय पर एकजुट करने की कोशिश पार्टी आलाकमान की तरफ से की गई। ये कोशिश काफी हद तक सफल तो हुई, लेकिन राज्य में जीत हासिल कर पाना अभी भी उसके लिए टेढ़ी खीर है। कांग्रेस के अलावा इनेलो और उससे टूटकर बनी जननायक जनता पार्टी, बसपा, आप, अकाली दल और स्वराज पार्टी भी मैदान में हैं। ये दल अपने अपने बूते पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए कई जगह इनका अपना वोट बैंक होते हुए भी इन्हें बहुत बड़ा फायदा मिलता नहीं दिख रहा। इनसे भाजपा को कोई ज्यादा नुकसान तो होने की संभावना नहीं है। वहीं जानकारों का कहना है कि विपक्ष के कमजोर रुख से भाजपा अपने 75 प्लस के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी जरूरी उपाय कर रही है। इनमें खराब प्रदर्शन करने वाले विधायकों व मंत्रियों का टिकट काटना, जमीनी स्तर पर प्रचार और मोदी के चेहरे का लाभ उठाना आदि शामिल है। और हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रैली को मिली सफलता के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपनी छाप फिर से हरियाणा में छोड़ सकते हैं। वहीं यदि इस मुद्दे पर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने 2014 के चुनाव में 15 सीटें जीती थी। हरियाणा जनहित कांग्रेस के विलय के बाद विधायकों की कुल संख्या 19 हो गई थी। कांग्रेस 2009 के चुनाव में 40 सीट जीत कर सत्ता में आई थी। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मई में हुए लोकसभा चुनाव में उसे प्रदेश में 28.42% वोट हासिल हुए। कांग्रेस के मत प्रतिशत में 5.52% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि मत प्रतिशत भाजपा का भी बढ़ा, भाजपा को 58.02% वोट मिले। तो वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में 17 सीटें जीतने वाली इनेलो को सिर्फ 1.89% वोट ही मिल पाए। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को अपनी साख बचानी पड़ेगी और इस बार कांग्रेस की नज़र फिर से हरियाणा कांग्रेस के बेताज बादशाह भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर होगी। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को हरियाणा के पार्टी कोर समूह के साथ बैठकर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर विचार विमर्श किया। बैठक में आधे से ज्यादा करीब 55 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। साथ ही यह भी सहमति बनी कि दूसरे दलों से आए विधायकों में से अधिकांश को टिकट दिया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि राज्य की करीब 70 विधानसभा सीटों पर चर्चा का काम पूरा कर लिया गया है। हालांकि इनमें से कुछ पर अभी आम सहमति नहीं बन पाई है, बाकी सीटों के लिए 1-2 दिन में नाम तय किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश लौटने के बाद 29 सितंबर को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। इसमें सभी सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम रखे जाएंगे। इस बार भाजपा राज्य में 3 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार सकती है। पार्टी नेताओं के परिजनों को टिकट देने के मुद्दे पर चर्चा तो हुई, पर कोई फैसला नहीं हो सका। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, संगठन महासचिव बीएल संतोष, प्रभारी महासचिव अनिल जैन और चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए इनेलो और आम आदमी पार्टी भी पुरजोर तैयारी में है। बता दें कि जल्द ही इनेलो भी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है और इस बात का ऐलान इनेलो नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने बुधवार को कैथल में चौधरी देवीलाल के 106वें जन्मदिवस पर हुए सम्मान दिवस समारोह के दौरान किया। ओपी चौटाला ने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे, महिलाओं को 33% सीट देंगे, ऐसे ही युवाओं का भी ख्याल रखेंगे।
उन्होंने कहा कि इनेलो की सरकार बनने के बाद प्रदेश के किसानों को कर्ज की समस्या से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर पूरी तरह से मुक्त किया जाएगा। यानी किसान के मुद्दे पर इनेलो दोनों सरकार को घेर सकती है, लेकिन चौधरी देवीलाल का कुनबा टूटने का असर फिर से दिखा और कार्यक्रम में चौटाला परिवार के कई लोग तो शामिल हुए, लेकिन इनेलो को चश्मा उतारने के बाद दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला ने इससे दूरी बनाए रखी। दिग्विजय ने सिरसा में ताऊ देवीलाल की मूर्ति पर फूल अर्पित कर उन्हें याद किया। ताऊ देवीलाल के 106वें जन्मदिवस पर इनेलो ने उन्हें याद किया, लेकिन इस मौके पर चौटाला परिवार एक साथ नजर नहीं आया। अब देखने वाली बात यह होगी कि हरियाणा की चौधर किसको मिलती है और कौन हरियाणा की 36 बिरादरी की एकता को संभाल पाएगा।